अगली खबर आ रही है सीहोर से, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 950 सदस्य अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। सीहोर जिले के प्रत्येक ब्लॉक से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्य बाल विहार मैदान पर धरना दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यह हड़ताल लगातार जारी है। इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने चर्चा करते हुए बताया कि नियमित कर्मचारियों के समक्ष वेतन दिए जाने सहित सभी सुविधाएं दिए जाने को लेकर सरकार के द्वारा एक नीति बनाई गई थी। सामान्य प्रशासन की नीति कैबिनेट में पास किए जाने के बावजूद भी इसका लाभ अब तक नहीं मिला है। साथ ही बताया कि वरिष्ठ अधिकारी भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस दौरान संघ के सदस्यों ने चर्चा करते हुए कहा कि वह केवल नियमितीकरण की मांग को पूरा करने हेतु धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों से सीहोर विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने भी मुलाकात की और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा की जा रही हड़ताल को सही ठहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो वे भूख हड़ताल करने को भी तैयार हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार सेल है, मैं राज्य कोर कमेटी सदस्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश। सर, आज आप यहाँ सीहोर जिला मुख्यालय पर हड़ताल कर रहे हैं, उसका क्या विषय है? जी, यहाँ पर क्या है कि हमारे जिले के 950 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए बाल विहार मैदान में। कौन से विभाग के कर्मचारी हैं सर? ये सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो पूरे सीहोर जिले के सभी विकासखंड से आए हैं। सर, इसका मुख्य विषय क्या है? सर, क्या है कि हम लोग एक बड़ी लड़ाई 2013 से लड़ रहे हैं। 2018 में सरकार ने एक नीति बनाई थी कि हमको समकक्ष जो नियमित कर्मचारी हैं उनके समकक्ष हमको वेतन मान दे करके नियमित करेंगे, उनका लाभ देंगे नीति का। ये हमको 2018 में नीति बनने के बाद भी सामान्य प्रशासन की कैबिनेट से वो नीति पास हो चुकी है, लेकिन हमको इसका लाभ अब तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला है। तो सरकार और हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वहाँ के अधिकारी, बड़े जो स्तर के अधिकारी हमारे साथ ये खुला खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एकमात्र मांग नियमितीकरण की मांग को लेकर के जिले के 950 कर्मचारी और प्रदेश के 32,000 कर्मचारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 15 तारीख से सभी जिला मुख्यालयों पर बैठे, वजह से हम लोग बाल विहार मैदान में बैठे। सर, जैसा कि सीहोर जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला भी आता है, आप कई बार आपकी मांग रख चुके हैं क्या उनके समक्ष? माननीय मुख्यमंत्री जी से कल शिवपुरी में ही हमारे पीड़ित, लाचार हो चुके और बेबस हो चुके संविदा कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कल बड़ा घेराव शिवपुरी के अंदर किया है। उनसे अनुरोध किया है, क्योंकि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने संविदा एक शोषण की व्यवस्था है ये ऐलान किया, अपने ट्विटर से हैंडल से इसको पूरा प्रसारित किया, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उनका वो मैसेज गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी हमारे जो विभाग में बैठे हुए जो अधिकारी हैं ऊपर स्तर पे, भोपाल स्तर पे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कहने को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ जो ये जो हमें अधिकार मिलने चाहिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कैबिनेट से दिया हुआ अधिकार है, वो अब तक हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यदि आपकी मांगे नहीं सुनी जाती तो आगे आपकी क्या योजना रहेगी? ये अभी तो हमने एक बड़ा ऐलान किया है, बहुत सारे विभाग के भी संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के नियमितीकरण की मांग के साथ है और 20 तारीख को विधानसभा घेराव का बड़ा प्लान और बड़ी योजना हम लोग पूरे प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बना रहे हैं। अभी जैसा कि आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावी होना है, तो आपको लगता है यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बेशक असर पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों के एक एक घर में 5-5, 6-6 वोट है, सरकार को ये समझ। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि इसका हल निकाला जाएगा। अब ओवर एज भी हो गए हैं लोग, आगे कहीं नौकरी भी नहीं मिलना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि कोविड के समय इन लोगों ने जितनी मेहनत सभी ने की है, परंतु स्वास्थ्य के संविदा कर्मचारियों ने जितनी मेहनत की है, ये चरण धोने के लायक है। सरकार को चरण धोना चाहिए इन लोगों को। इस समय कोई बाहर नहीं निकल रहा था, कई लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, हम राजनेता अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, एक दूसरे के रिश्तेदारों को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, परिवार का आदमी भर्ती था उसको देखने कोई नहीं जा रहा था। ऐसे कठिन समय में इन्होंने जो सेवा की है जनता की, वो सराहनीय है, उनको मैं सलाम करता हूँ।
और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए, वरना यह ज्वालामुखी फूटेगा तो न जाने क्या होगा। संविदा एकता, अभी करो और चेंज करो। बोलकर हाथ खड़ा करके पूरी फुरफुर आवाज से लगाना ना रहे, अभी करो और चेंज करो, अभी करो और चेंज करो, अभी करो और चेंज करो। संविदा एकता, संविदा एकता।